क्योंकि बच्चों तो मैंने कलेजी मैरिनेट कर रखी हुई मसाले में तेज होगा। देखिए जी खीर हो गई हमारी रेडी। इमली वाली चना चाट रही है। ओके जी सो फाइनली रसमलाई भी बन गई। ओके जी तो ये हलीम के लिए मैंने पहले गोश्त फ्राई कर लिया। अच्छा इमली आलू बुखार वाली चटनी भी रेडी हो गई है। जी तो अभी मैं कर रही हूँ दावतों की तैयारियाँ। मैंने ना 3 ग्लासेस कप में पानी निकाला है, तीनों में ना, एक में बनाना फ्लेवर, एक में वनीला फ्लेवर, एक में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कस्टर्ड का भी घोलती हूँ मैं। साथ मैंने चीज़ें निकाली हुई हैं, दूध बॉयल करने के रखा हुआ है। यहाँ पे बन रही है इमली आलू बुखारे की चटनी। इसमें क्या होता है सिस्टम के आधा पाओ इमली और आधा पाओ ही आलू बुखारा, इसे सिस्टम मतलब दोनों इक्वल क्वांटिटी में डालने होते हैं आपके साथ। और ये उबलने के रख दें, जब पानी खुश्क हो जाएगा बिल्कुल, फिर हमने निकाल के गुठलियाँ इनके फेंक देनी है, उसको मैश करके छान लेना है। और इसमें मिलाएंगे लाल रंग और दड़ा मिर्चें और तड़का लगाएंगे। इसमें मैं दिखाऊंगी तरीका साथ साथ आपको, ठीक है। और बाकी सुबह के लिए मैंने चने भी बो दिए हैं, बस सुबह या तो अभी रात को ही बॉयल कर लूँगी या सुबह बॉयल कर लूँगी। कस्टर्ड बनाया है, जेली एक ग्रीन वाली ये बना के रखी है और दूसरी जेली ये बना के रखी है। ओके भाई तो अभी हम लगाने लगे हैं मेहंदी। अम्मी को भी बच्चों को भी 2 प्लास्टिक की चेयर लेकर आए, मेरे लिए भी ले आते ना। हेलो गाइस, अभी मम्मा ना मेहंदी लगा रही है अम्मी को, अरमिश को लगा रही है। मिशन मेहंदी इंस्टाग्राम पर दिखा देना, मम्मा बहुत पीछे से बोल रही है। हेलो गाइस, अभी मम्मा मेहंदी लगा रही है क्योंकि कल ईद है। मम्मा ने अरमिश को लगा रही है। अरमिश अपनी मेहंदी दिखाओ, क्यों दिखाओ ना, मुझे कुछ था। इससे मुझे इतना हिलाया खराब हो रही है। अभी अम्मी को लगा रही है मम्मा। देखिए जी अम्मी के हाथ की मेहंदी तो लग गई है फाइनली। दूसरा दिखाना, ये वाली मेहंदी अच्छी निकली है। काशिश की मेहंदी थी, पता नहीं धो के कैसी लगेगी, पर ये सब फैली फैली लगी है। दिखाना कौन सी मेहंदी, ये वाली बकवास फेल मेहंदी, ये अच्छी है सदर लोकल जो हमारी ऑर्गेनिक मेहंदी है। सो ये लग गई है, अनुष के भी लग गई है, अपने तसीब के लगाते हैं। हाथ देखना कैसे हो जाते हैं मेहंदी लगाओ। अभी मम्मा मेरी मेहंदी लगा रही हैं। तो तसीब दुनिया जहान की मुश्किल डिजाइन बताती है मुझे। दिखाना था जो उस हाथ पे लगवाई है, ये मेहंदी कोई 4 डिजाइन से मिलके बनवाई है। कह रही है इसकी फिंगर बनाओ, इसका ये बनाओ, इसका वो बनाओ। उफ, कंकर के रखा हुआ है समझ में। दूसरा हाथ लग रहा है। जाहिर है आप लगा रही है जो आप थकोगी, मेहंदी उंगलियों पे लगा लगा के मेरे हाथों में बड़ा फर्क कर दिया इस लड़की ने। हाथ नहीं टिक रहे, किसी एक जगह हाथ टिक जाए। छोड़ो तसीब की मेहंदी लगाई है मैंने दोनों हाथों पे और यार मिश्किल। अब टाइम पता क्या होगा, फजर की अजान होगी। मेरे को अम्मी को और टाइम दिखाती हूँ, 3:17 मेरे हाथों का ये हाल है इस टाइम। अब मुझे इतना काम करना है, मेरा किचन का पूरा काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। मेहंदियाँ पहले मैंने कहा लगा दूँ नवाबों की, अब जाओ सो जाओ अल्लाह हाफिज़। और मेरा जना मेरे घर सोता था, मेरा बेटा नहीं सोता, चलो आओ सोएं, पहले इसको सुनाऊँगी फिर कोई काम होंगे, चलो आओ। तो अजान हो गई थी तो मैंने नमाज पढ़ी है। अब मैंने कहा पहले आज को सुनाऊँ, उसके बाद दूसरे काम करूँगा, ठीक है। बच्चा सुनाने लगी, फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह। ये भाई तो सबको मेहंदी लगाने की वजह से ना काम हो गया लेट, अभी सारे सो रहे हैं। मैं नमाज़ पढ़ के लेटी हूँ, बलाज को सुलाया, साथ अभी मैं खीर बनने के लिए रख रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है अब बूढ़ बकास ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे, आके कुछ मीठा तो खाएंगे ना। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी में जो बनता है वो तो करूँ, तो खीर बनने के लिए रख दी है मैंने। और ये जो हमारी इमली आलू बुखारे की चटनी थी ना, वैसे ठंडा हो तो उसको गुदा गुदा करती हूँ, और इसमें से थोड़ी सी इमली निकाल के इमली वाली चना चाट बना लूँगी। चने मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं और जेली हमारी रेडी हो गई थी, वो मैंने फ्रिज में रखती हूँ। देखें ऑरेंज और येलो वाली दोनों। अब मैंने क्या करना, पहले मैं बनाऊँगी खीर, फिर मैं बनाऊँगी रसमलाई, और ये दो मैं मीठा बना के फ्रीज करने रख दूँगी। बस जल्दी जल्दी खीर बन जाए तो मैं रसमलाई बनाना शुरू करूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से 2 काम कैसे करूँ हैं। अच्छा एक और काम मैंने क्या किया, मैंने सुबह बनाना है हलीम, तो मैंने हलीम के जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो ये मैंने भिगो के रख दी हैं ताकि सुबह तक सॉफ्ट हो जाए और जल्दी जल्दी काम हो जाए। मतलब मेरा दिल होता है कि दावत के दिन ना दावत वाले सारे काम ख़त्म हुए हों और मीठा भी रेडी हो मर्दों के लिए, जब मर्द ईद पढ़ कर आएँ। तो वकास को ईद की नमाज़ पर भेजूंगी ना, फिर मैं सो जाऊँगी, फिर वकास आके मुझे उठा लेंगे। वकास के ईद के कपड़े भी रेडी करने, मैंने वो भी रेडी नहीं किए अभी तक जी। तो ये रसमलाई का दूध डाल कर रखा है, बादाम वगैरह डाल के, देखिए अच्छे से खदक जाए दूध, ताकि उसमें रसमलाई डालें बना के। खीर हो गई है,
उसमें ठंडी करने के लिए रखी, ठंडी हो तो किसी शीशे के बर्तन में डाल के इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। मैंने ये भी सारे निकाल लिए, गुठलियाँ इसकी इमली आलू बुखारे की, इसको भी आकर रेडी करते हैं क्योंकि अभी ठंडी नहीं होगी ना, फिर चटनी कैसे खाएंगे, वह कहाँ से सुबह कलेजी खानी होती है तो फिर वाली। तो फाइनली रसमलाई भी बन गई है, ऐसे जो थोड़ी सी सख्त लग रही है मुझे, मैं उसको वैसे वैसे दूध डाल रही हूँ गरम गरम। मेरे ख्याल से तो हो गई है ऑलमोस्ट, मुझे थकावट हो गई है, मैं दिल कर रहा मैं सो जाऊँ जाके, पर चलो एटलीस्ट मुझे टेंशन नहीं होगी कि वकास ईद की नमाज़ पढ़ जाएंगे तो कुछ मीठा नहीं होगा खाने के लिए, बस आलू गल जाए तो मैं चना चाट बना लूँगा वकास के लिए। देखें जी खीर हो गई हमारी रेडी, मैंने इसको गार्निश भी कर दिया, मैं इसे रखती हूँ फ्रिज में ठंडा करने के लिए। मैं सोच रही हूँ काश यार वो होते ना चांदी के रेपर, मैं वो भी लगाती, बड़े मज़े का लुक आता है इसका। मेरे पास सुनो नान ले आना है। हाँ ओके जी, तो वकास को मैंने नमाज पे भेजा है ईद की, फिर मैं सो गई हूँ। उसके बाद फिर वकास ने आके कुर्बानी करवाई है, हमारे ना दो बकरे थे, एक कल कुर्बान हुआ था और एक आज कुर्बान हुआ है ईद के दूसरे दिन। ये व्लॉग भी मैं आज एडिट कर रही हूँ क्योंकि अभी मेहमान गए हैं मेरे घर से और आज हमारी शाम की दावत है, तो मैं रेडी होंगी तो कुछ रिकॉर्ड कर लूँगी। अभी मैं इतना थकी हुई थी, मैंने कहा सो जाऊँगी, क्योंकि कल भी मैंने सारा घर धोया था बकरे की वजह से और आज भी कुर्बानी हुई था, ब्लड ब्लड हो जाता है सारा, आज भी सारा धोया है। तो वो कहाँ से मेरे कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, फिर मैंने उनको खीर खिलाई थी, रिएक्शन रिकॉर्ड करती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम खीर बनाई है। तो ईद की नमाज़ पढ़ कर आया तो मैंने फ्रिज में बना कर रखी थी और मैं सो गई थी उस टाइम 6:30। तो आपने क्यों नहीं खाई? सोया हुआ था। पसंद आई आप? खीर पसंद नहीं आती आपको किसी की? बादाम वगैरह ना हो तो और बहुत अच्छी। तो बादाम तो डालने पड़ते हैं गार्निशिंग के लिए। ओके जी, तो ये इमली आलू बुखार वाली चटनी भी रेडी हो गई है। इसको जब हमने रात को वो इमली आलू बुखार भिगोए था, आपको पता है ना, तो मैंने सारी उसकी गुठलियाँ निकाल ली थी रात को ही। सुबह उठ के मैंने इसमें डाली है चीनी, नमक, लड़ा मिर्चें, लाल थोड़ी सी काली मिर्ची, आपने हसबा जायका डालनी है ठीक है, और उसके अलावा लाल रंग। अब मैं इसको छान लूँगी ताकि बिल्कुल इक्वल इसका हो जाए। बाकी देख लें पक गई, अभी आपकी एक महीना भी ख़राब नहीं होती फ्रिज में। साथ ही आटा गूंदा है, थोड़ा सा किचन में मैस बना हुआ भी समेटती हूँ, बल्लों के लिए अमेजा बना के रखा है, बाकी जो फ्रिज में चीज़ें मैं बता देती हूँ। ये जी हमारी खीर है, वकास को खिला के मैंने वापस से बादाम छिड़क दिए, और ये रसमलाई है, और ये इमली वाली चना चाट है। ये मज़ा आया इमली, इस पर ये बहुत मज़े की बनती है यार। ये देखें खट्टी इमली आलू बुखारे की चटनी डाली है इसके अंदर मैंने, अमेजा बनाने से पहले इसके लिए निकाल ली थी मैं, और ये दही बल्लों का सामान है, और मैंने कस्टर्ड की जेली बना ली थी, कस्टर्ड नहीं बना सकी मैं क्योंकि दूध खत्म हो गया था ऑयल पर, तो अभी मंगवाती हूँ दूध। गाइस अभी आज ईद है और अभी हमारे घर ना लाइक पहली दावत है, फर्स्ट डे लाइक हमारे घर दावत है, तो मैं अभी ऊपर आई तो सोचा लाइक मम्मा की हेल्प कर दूँ, और अभी मैं ना ये ड्राइंग रूम लाइक साफ करूँगी एंड इसका कवर चेंज करना है, और बाकी सारे मम्मा करेंगी क्योंकि जितना मेरे सो सकता है उतना करूँगी। फर्स्ट मैं वो निकाल लेती हूँ कवर, खजूर अभी मैं बना रही हूँ दही बल्ले, चटनी इतनी अच्छी बनी है ना, मज़ा आ गया चटनी को देख के, सही मज़ेदार सी। और ये क्यों गिर गया ऊपर से नीचे, बस कोई ना कोई काम खुल ही जाता है नया। अब मैंने ऑयल रखा है चूल्हे के ऊपर, मैं बना रही हूँ दही बल्ले जल्दी जल्दी से, दही तो बल्ले नहीं सिर्फ बल्ले, दही तो कब की बन चुकी है। ओके बच्चों, तो मैंने कलेजी मैरिनेट कर रखी हुई थी, पहले मैंने इसको ना दही और सिरके वाले पानी में भिगोया था ताकि इसकी हमक मर जाए सारी, और अब मैंने इसको मैरिनेट किया। तो ये एक लोकल पेस्ट था, मैं एक मसाला इसे कलेजी फ्राई हो जाता वो इसमें डालूंगी, अभी तवे पे इसको फ्राई करेंगे कलेजी को। ओके जी, तो ये हलीम के लिए मैंने पहले गोश्त फ्राई कर लिया, अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसमें पानी डाल के बस अब गलने रखूँगी, तो जो रात के भिगोए हैं चने वगैरह वो डालती हूँ इसके अंदर। ये हो गया हमारा, बच गया आपकी बहन के, अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं सफाइयाँ की हैं, मैंने ये धो दिया सारा वकास, साथ वाइपर लगवा रहे हैं, मैंने कहा मैं थक गई हूँ बहुत सख्त रात से लगी हुई हूँ, मैं किचन नीचे से धो दिया, अभी ऊपर से बहुत मैस है। हलीम बन गया, बस पाए बनने रखने हैं, मैंने पाए धो के यहाँ रखे हैं मैंने,
ये हालांकि कल मैंने कैबिनेट साफ किए, फिर कैबिनेट पर छींटे पड़ गए हैं। डाइन टेबल की मैंने शॉपर उतार दी क्योंकि हमने यहाँ गोश्त के हिस्से वगैरह किए थे, तो मैंने शॉपर धोया है, सुखाया है वो। अब हम बाहर से सफाई करवाते हैं। कल मैंने कपड़े दिखा दिए, पहनना मैंने यही वाला ड्रेस था, फिर मैंने सोचा इतने काम है ना, आज अगर मैंने ये वाला ड्रेस पहना तो ड्रेस हो जाएगा ख़राब, तो फिर मैंने वही पहन लिया था जो मैंने एक और लिया हुआ था, कैसे पहनूंगी काम वगैरह में। फिर मैंने खाना वगैरह सर्व किया, वह जल्दी से पाएगी बतानी मैंने वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई। फिर जी हमने लगाए थे सीख कबाब और तिक्का मसाला, अच्छा मैंने कीमा भी घर पर चॉप करके रख दिया था फ्रिज में मैरिनेट करके, और तिक्के भी। फिर हमने बस सीखे वगैरह लगाई हैं बाहर बैठ के। हाँ टिशू भी लेगा, अच्छा नहीं आना। अच्छा मैंने ना भी पहना हुआ ये वाला ड्रेस, मैंने पहले पहना था पर्पल ड्रेस, फिर मैंने यही पहन लिया, रुको फिर मैंने यही पहन लिया क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो रही थी और पर्पल ड्रेस की शलवार नहीं मिल रही थी मुझे, क्योंकि वो टू पीस था शलवार मैंने उसकी पहले से ला के रखी हुई थी, मुझे मिली नहीं। मैंने कब टाइम वेस्ट हो रहा, मेहमान आ जाएंगे क्या फ़ायदा, और जैसे मैं तैयार होकर नहीं चाहिए तो मेहमान आ गए। किचन में देख लिया मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, दही बड़े चना चाट सबने खा ली है, और बस अभी बाहर बारबेक्यू हो रहा है, साथ खाना लगाएंगे अभी। बस मैं ना अब हलीम के लिए प्याज फ्राई कर रही हूँ। गर्मी में मेरा मियाँ लगा हुआ है, ये देखिए। वैसे कभी कभार टेस्ट करना चाहिए मज का गोश्त भी, है ना चाची? क्यों किया? ये जितना नखरे वाला ये है ना, ये चाची बताती होती है ना अपने हस्बैंड का कॉपी है सर तनवीर की। मैंने पहली दफा बनाया, जैसे चाची यही अच्छे बने। चाची ये क्यों नहीं खाया अगर अच्छा बना हुआ है? ओके जी, तो ये कस्टर्ड किस जिसके भी बने, छोटी कोई ट्राउजर निकर कुछ भी ले आओ, ठीक है? तो ये अब मेरे मियाँ साहब कल के बाद मुझे अब आए अपनी शक्ल दिखाने के लिए, कल से उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। So, ये जो 11 मिनट की वीडियो है ना, इसको बनाने में मुझे पूरा दिन लगा, पूरा दिन। मैंने ना एंड में ना सेवर फूड भी मंगवा लिया था, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि खाना खत्म हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ कि ना मतलब खाना कम ऐसे हुआ कि हम लोगों ने मंगवाई थी 10 रोटियां, क्योंकि मैंने कहा यार टिक्का भी है सीख कबाब भी है और पाए हैं और हलीम है। अब मुझे ये पता था कि छोटे के पाए मर्द हजरा बड़े शौक से खाते हैं, तो वो जैसे ही रोटी खुली ना रोटी उसी टाइम ख़त्म हो गई, पाए बचे ही नहीं थे। मुश्किल से ना चाची नसीम ने जो अपनी एक बोटी बचाई थी मुझे सुबह नाश्ते के लिए देते ना, सुबह नाश्ते में सारे पाए खाते पंजाबी, आप सबको पता है शौक से। तो फिर वो एक बोटी चाची नसीम के पास गई, एक जाहिद भाई के पास गई, और एक जो है वो मैंने कहा अब एक छोड़ दो, मैंने सुबह मिक खानी है इसकी, मैं भी टेस्ट करूँ आखिर मैंने कैसे बनाए थे पाए। बस वो मैंने मिक खाए, हालांकि ना पाए कितने थे, 6 पाए थे, वो 4 एक बकरे के थे, 2 एक बकरे के पाए थे। और हलीम भी माशाल्लाह आज सुबह सारा खत्म हो गया। मैंने शबाना लोगों को रोक लिया था, शबाना छोटी ईद पे सब बोल रहे थे शबाना को क्यों नहीं बुलाया, शबाना छोटी ईद पे अपनी अम्मी की तरफ जाती है भलवाल, जहाँ मेरी नंद की शादी हुई है, वो मेरी नंद की नंद है आगे से, तो इस ईद पे वो यहाँ थी, तो उसको मैंने बुलाया था, उसको मैंने रात को रोका था। हम रात को हमने बहुत शुगल किया, मूवीज़ वगैरह देखी, लेकिन ये कि इन सब में ना मुझे पिक्चर बनाने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने बच्चों की भी रिकॉर्ड नहीं की कि बच्चे कैसे लग रहे थे मेरे बेचारे, ना बलाज की ना भाज की। तसीफ को मैंने काम दिया हुआ था कि थोड़ा सा ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेना आप तैयार हो गए, तसीब ने वो भी नहीं किया। तसीब ने पता नहीं मैं बिछाने लगी, पता नहीं क्या अल्लाह ने तसीब ने क्या रिकॉर्ड किया है। और इसके अलावा आपने देखा पीछे बैकग्राउंड में मैंने ना वो वाला क्लिप काटा नहीं, जहाँ मैं अपनी सास को समझा रही थी कि अम्मी प्लीज़ ये ना पिया करें कोका कोला स्प्राइट वगैरह, आप लोगों की वजह से मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। पूछे वकास को मैंने इतना बोला कि यार गोरमे ले लो फलां ले लो ढिम कर लो, कहते हैं यार बातें सुनाएंगे कोई, क्योंकि ना पता नहीं क्या इन शायद ना लोगों को ये लगता है कि अगर हम वो वाली बोतल लाएंगे ना तो वो अच्छी नहीं है या पैसे बचा रहे हैं, इस तरह कोई सीन समझ में आता, समझ में नहीं आता। मैंने तो कोशिश भी की समझाने की, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें मैं माजरत चाहती हूँ आप सबसे। और आप दिल आजारी, मैं अपने लिए लाई थी टूटी फ्रूटी जूस मैंगो वाला, वो बहुत अच्छा था, मैंने वो पिया था। बाकी मीठा भी सारा खत्म हो गया यार माशाल्लाह, पाए भी सारे खत्म हो गए, हलीम भी, मतलब खाना बचा ही नहीं है, सिर्फ सेवर फूड बचा है एक पैकेट, वो मैंने रखा हुआ था अदील के बच्चे के लिए, जो शबाना का बड़ा बेटा है शादीशुदा, वो उसकी ना छुट्टी नहीं थी कल ईद की भी, उसको मैंने कहा था बेशक तुम्हारी रात को 3 बजे भी छुट्टी हो बेटा तो आ जाना खाना इधर ही खाना, अब ईद पे अकेले घर जाके क्या करोगे, उसकी भी बेगम गई हुई है मेके, वो आया नहीं। अब उसके हिस्से का सेवर फूड सिर्फ पड़ा हुआ है एक पैकेट, और मैंने उसके लिए सालन शालन रखा था, वो नहीं आया, तो सालन सुबह नाश्ते में खाया गया, मैंने शबाना लोगों को इसलिए रोक लिया था। सुबह दूसरा बकरा माशाल्लाह से वकास ने सिबा करवाया है, अब उसका जो गोश्त वगैरह लेने के आ रहे हैं तो वो बटा है। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया कि कैसी लग रही थी तस्वीर? तभी तो आप आवाज़ निकाल रही थी, तो कपड़े तो रिकॉर्ड कर लेती ना कि आप कैसी लग रही हो, भाज कैसा लग रहा है। आज वकास साहब कटिंग करा के आए, वरना वकास साहब सूफी सूफी नाम है इत्माद का यार वकास कल लगे ना, ये देखो बुला दो
अवकाश कूलर खाली कर दो, एयर कूलर। अच्छा एयर कूलर जो है वो कैनन का है और वो वाला एयर कूलर है जो इसका बिल पंखे से भी कम आता, मतलब इसका बिल ही नहीं आता। और ये इतना यूज आया, कुर्सियां इतनी यूज आई है कि सबके सबने गैराज में कुर्सियां रखी हुई थी और सब भी वहां बैठे थे, कोई भी अंदर आ नहीं रहा था। कल इतनी बारिश हुई है, मौसम भी बड़ा अच्छा, मतलब कल बड़ा मजा आया। सीख कबाब सारे खत्म हो गए थे, टिक्का इतना सा बना हुआ कि दोबारा कोई कड़ी या कोई और सालन बनाना तो बन जाए। और वाकई क्योंकि पता है हर दफा क्या होता है, मैं ऊपर नीचे फिरती रहती हूँ यार सर्विंग करने के लिए, तो इस बार मुझे इतनी आसानी हुई ना। कुछ लोग पिंक रूम में एसी चला के बैठ गए, पिंक रूम में ना हमने कुर्सियां ले आई थी, ये वाली पिंक कुर्सियां ऊपर ले आया था मैं, पेम्पर नहीं लगाओ ना, दावत में जाऊंगा फिर मैं लगा दूंगी, ये वाली कुर्सियां ऊपर ले आई थी, स्टोरेज वहां कर दिया था मैंने, कहा और कुर्सी चाहिए तो और रख लेंगे। एसी चला देता बड़े बुजुर्ग सारे इस कमरे में बैठ गए, कोई ड्राइंग रूम में बैठ गया, बाकी हम सारे वो कजन वगैरह सब हम लोग गैराज में थे। बड़ी बड़ा मजा आया, सबने वैसे बहुत तारीफ की खाने की, और पाए मैंने वैसे मैंने सेकंड छोटे के पाए मैंने फर्स्ट टाइम बनाए, वकास छोटे के पाए नहीं खाते, बड़े के पाए मैं बनाती हूँ, वो दो तीन दफा बनाए होंगे टोटली, बट माशाल्लाह सबको इतने पसंद आया, मैंने खुद भी खाए थे बहुत अच्छे थे यार, सब मुंह में घुल रहे थे पाए। और वो जो शबाना का बेटा एक और है ना छोटा उमेर, वो कहता है मुझे ना पाए किसी के पसंद नहीं आते बट मामी आपने बहुत अच्छे बनाए, मतलब पाए की तो लिटरली सबने तारीफ की थी। और सीख कबाब भी सारे खत्म हो गए थे, मीठा रसमलाई और खीर की भी सबने बहुत है ना वकास, खीर की भी सबने बहुत तारीफ की थी ना, दही भले चना चाट सब खत्म हो गए माशाल्लाह, इतना अच्छा खाना बना हुआ था। सवेरा नहीं आई मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसको तो मुझे मिले उसको तो छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको कॉल करती हूँ क्यों नहीं आई है, पर अब माशाल्लाह ना वो एक्सपेक्ट कर रही है, अब लोग उसके दुआ करना, अल्लाह उसको खैर खैरियत से फारिग करे, अल्लाह उसको नेक सौले औलाद दे, सेहत में जिंदगी वाली नसीबों वाली। तो बस ये व्लॉग था ईद का, जो लोग नाराज हो रहे हैं अभी तस्वीर नहीं लगाई हमारी, तो ईद ही नहीं हुई क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं यार, तो माशाल्लाह सभी प्यार करते हैं वैसे तो। सो आई लव यू सो मच, मेरी तरह से सबको ईद मुबारक, अल्लाह सबकी कुर्बानियां कबूल करे और अल्लाह सबको तौफीक दे कुर्बानी करने की। अल्लाह हाफिज़, अभी मैं तैयार होंगी तो आज जरूर रिकॉर्ड करूंगी कि मैं ऐसा तैयार हुई और दावत में शबाना घर जा रही हूँ आज, ठीक है। चाची नसीम भी आ रही है वहाँ पे, तो वहाँ मिलते हैं आप सबसे। अल्लाह हाफिज़।